हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पार्थिव तावड़े एंड आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ शिवडी फोर्ट पर, जो कि शिवडी में लोकेटेड है। एंड ये शिवडी की एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आज इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा इस फोर्ट तक कैसे जाना है, वो इस फोर्ट को भी दिखाऊंगा एंड इस फोर्ट की हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में भी। आप भी इस ब्लॉग को एंड तक पूरा देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अभी मैं हूँ शिवडी स्टेशन पर और ये जो किला है ये स्टेशन से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो अभी हम यहाँ से चलकर जाएंगे इस फोर्ट तक। तो जब आप स्टेशन पर उतरोगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आपको आगे आना है और यहाँ से सीधे सीधे चल के जाना है और आगे जाके राइट मारना है। यहाँ से थोड़ा सा आपको चलना होगा और आगे जाके राइट मारना है। तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म से जैसे आप सीधे सीधे आओगे ना, आपको राइट टर्न मारना है और यहाँ से एकदम स्ट्रेट जाना है। 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है ये फोर्ट। तो फाइनली हम आ गए हैं शिवडी फोर्ट पर। एंड अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको जगह जगह पर ऐसा दिखाई देगा, ये साइन बोर्ड लगा के रखे है, तो आप यहाँ तक वॉक करके इजीली आ सकते हो। तो यहाँ से ऊपर आना है आपको। आप अगर व्हीकल्स ला रहे हो तो व्हीकल्स भी ऊपर लेके आ सकते हो, ये स्लोप है। यहाँ से ऊपर आना है शिवडी किले तक जाने के लिए। तो ये शिवडी किला जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के पास गया है। तो चलो चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं इस किले को, इस हिस्टोरिकल प्लेस को। यहाँ पर लोग रहते हैं इस किले के सामने, तो इस किले में आना सेफ है। विदाउट एनी फियर आप इस किले में आ सकते हो, बिकॉज इस किले के सामने ही बिल्डिंग से यहाँ पर लोग रहते हैं। और ये रहा किले का एंट्री गेट, एंट्री गेट आगे है लेकिन यहाँ से ऊपर चढ़कर आपको जाना होगा उस एंट्री गेट तक। ये व्हाइट व्हाइट जो आप देख रहे हो ना, उसमें प्लांट्स लगाए गए हैं। एंड आप अगर रात में यहाँ पर आओगे ना तो लाइट्स लगती है इसमें, तब ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। लाइटिंग के लिए ये वाइट करके रखा है, इसके अंदर लाइट्स लगती है। और ये है फ्लेमिंगोस, आपको यहाँ पर फ्लेमिंगोस भी देखने को मिलेंगे। एंड आप यहाँ पर अपने व्हीकल्स भी पार्क कर सकते हो। तो अभी मैं स्टेयरकेस चढ़कर ऊपर जा रहा हूँ एंड आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर आप अपने बाइक्स पार्क कर सकते हो, फ्लेमिंगोस भी है। एंड ये जो व्हाइट कलर का है वो प्लांट है, आप देख सकते हो प्लांट लगा है इसमें। रात के टाइम पे इसमें लाइट लगती है तब ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो अगर आप यहाँ पर आए हो तो रात के टाइम पे आना, आपको ये भी देखने को मिलेगा। इस पूरे फोर्ट को लाइटिंग करके रखी है। यहाँ पे फ्लेमिंगोस भी आपको देखने को मिलेंगे विंटर सीजन में। तो फिर चलो चलते अभी फोर्ट में। यहाँ पर आपको फ्लेमिंगोस के स्टैचूज देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर फ्लेमिंगोस आते हैं विंटर सीजन में। एंड ये किला जो है वो बंद है अभी फ़िलहाल के लिए, रीडेवलपमेंट वर्क चालू इसीलिए। तो आपको यहाँ पर जाने बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना। आप देख सकते हो यहाँ पर काम चालू है इस फोर्ट पर रीडेवलपमेंट का, तो यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना अप्रैल 2024 तक। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, शिवडी फोर्ट ये 3-4 महीनों के लिए बंद है, मतलब अप्रैल महीने तक तो बिल्कुल भी यहाँ पर मत आना, आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। अंदर डेवलपमेंट का काम चले, रीडेवलपमेंट। एंड मैं यहाँ पर आया हूँ फोर्ट के बाजू से ये सी व्यू एंजॉय करने। यहाँ पर फ्लेमिंगोस भी आपको दिखेंगे विंटर सीजन में, इसलिए फोर्ट में एंटर होते समय आपको फ्लेमिंगोस का स्टैचू दिखाई देगा, वहाँ पे रखा है फ्लेमिंगो स्टैचू, बिकॉज यहाँ पर विंटर सीजन में फ्लेमिंगो भी आते हैं। तो
अप्रैल तक बिल्कुल भी मत आना इस स्पॉट में, बिकॉज रीडेवलपमेंट का काम चले, अंदर जाने नहीं देते बिल्कुल भी। मैं आ गया हूँ लेकिन पोपट हो गया। देखते हैं अभी यहाँ पर कुछ घूमने जैसा है या नहीं, वो रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो इस छोटे से ब्लॉग को एंड करके घर चले जाएंगे। बिल्कुल भी मत आना इस स्पॉट में अभी अप्रैल तक, तो बिल्कुल भी मत आना, ये तो इतना दूर आ पाओगे और पोपट हो जाएगा, आपको अंदर जाने ही नहीं मिलेगा। सो इससे बेटर है कि बिल्कुल भी मत आना, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चल सके शिवडी फोर्ट ये अप्रैल 2024 तक बंद है, 2024 तक ये फोर्ट बंद है, मतलब अप्रैल 2024 तक। अप्रैल के बाद चांसेस है लेकिन कम है, तो अप्रैल के बाद मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि ये फोर्ट ओपन हुआ या नहीं वो। और वो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना। चलो चलते अभी बाहर, ये देखो ये है व्यू, और ये है शिवडी नावा सेवा ब्रिज। तो ये है शिवडी नावा सेवा ब्रिज एंड ये है समुंदर। ये रहा शिवडी का किला, इस किले को एज अ वॉच टावर इस्तेमाल करते थे ताकि समुंदर से जो भी माल है, जो भी सामान है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते समय उनकी नज़र पड़े और उनका इस समुद्री तट पर वर्चस्व कायम रहे, इसलिए इस फोर्ट को यहाँ पर बनाया गया था और इसे एज अ वॉच टावर करके यूज़ करते थे। चलो चलते हैं फिर बाहर। ये है शिवडी का किला, अभी आज के लिए तो बाहर से ही देख लो आप, 4 महीने के बाद हम आएंगे इस किले को एक्सप्लोर करने। तो ये थी हमारी इस शिवडी फोर्ट की छोटी सी वीडियो। यहाँ पर एक गणपति बप्पा का मंदिर भी है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो, उसके ऊपर व्लॉग मैं किसी और दिन बनाऊँगा, बिकॉज आज मुझे ये फोर्ट एक्सप्लोर करना था, बहुत ही इंटरेस्टेड था मैं ये हिस्टोरिकल फोर्ट एक्सप्लोर करने में, बट अनफॉर्चुनेटली ये अभी बंद है और वो भी 4 महीनों के लिए, तो पूरा मूड ही चला गया। अभी हम जाएंगे घर, बिकॉज अभी कुछ मूड ही नहीं है कहाँ पर जाने का, तो अभी हम लोग जाएंगे घर एंड इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आप इस व्लॉग को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चल सके अप्रैल 2024 तक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि ये रीडेवलपमेंट के लिए गया है ये फोर्ट, तो सबको शेयर करना। कर रहा हूँ मैं अभी इस व्लॉग को यहाँ पर एंड। अगर आपको ये व्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब में शेयर करना ताकि किसी का पोपट ना हो। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।